अबोव बी यू एवर सो हाई द लॉ इज अबव यू। तो अगर आरोप लगता है कि आपने कानून का उल्लंघन किया है तो अदालत के सामने जाइए, अदालत गलत निर्णय करती है तो उसको चुनौती दीजिए, लेकिन संसद नहीं चलेगी क्योंकि कोई नेता फंस गया है, ये तो लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। सर कोई औपचारिक का स्वामी जो है उनको पावर ऑफ अटॉर्नी मोदी जी ने दी है, ये कोई प्राइवेट कंप्लेन नहीं है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। देखिए हमारे देश के कानून में लिखा है दो चीजें, पहला ये कि कोई भी नागरिक को पता चलता है कि कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जिम्मेवारी है कि उपयुक्त अधिकारियों को उसकी जानकारी दे। दूसरा सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून की प्रक्रिया को आरंभ कर सकता है, वो व्यक्ति कौन है इसका महत्व नहीं है, आप पे आरोप क्या है उसका सब्सटेंस क्या है महत्व इसका है। सर उनका आरोप है कि वो दमनकारी नीति के खिलाफ कर रहे हैं, ना कि कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। मुझे लगता है ये विषय बहुत गंभीर भ्रष्टाचार का है और इसलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे को केंद्र बिंदु कांग्रेस पार्टी ने दोबारा बनाया है, इसके लिए सारा देश उनका आभारी होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ये जो तीन चार आरोप उनके नेताओं पे भ्रष्टाचार के लग रहे हैं तुरंत इस पे चर्चा आरंभ हो जाए, सारे तथ्य जैसे इन्होंने आरोप लगाए थे तो हम तुरंत चर्चा के लिए तैयार हुए थे। अगर कांग्रेस पार्टी में इतना विश्वास है कि आरोप गलत हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के लिए उनको तैयार होना चाहिए। तो क्या आप उम्मीद करते हैं दोनों इश्यूज डीलिंग रहे सर? देखिए मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, दोनों इश्यूज डीलिंग रहे हैं, जीएसटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए वो एक अपने भी महत्व का विषय और किसी भी गैर जिम्मेवाराना पार्टी को, अब कांग्रेस पार्टी का पैसा गलत तरीके से खर्च हो गया इसका जीएसटी से क्या ताल्लुक है? सर डज दिस पॉलिटिकल ग्रिडलॉक पोज अ चैलेंज? मनी ट्रांसफर नहीं हुआ है और वैसे भी देखिए इसका निर्णय मीडिया नहीं करता, इसका अदालत करती है, तो इसका उत्तर जाके अदालत को दें। कांग्रेस पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है टीएमसी? मैंने तो किसी भी पार्टी को संसद में उनके समर्थन में खड़े होते नहीं देखा अभी राज्यसभा में। राजेश सर डज द पॉलिटिकल ग्रिडलॉक पोज अ रिस्क फॉर द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट जीएसटी फ्रॉम नेक्स्ट? व्हाई शुड इट जीएसटी, दिस कंट्री नीड्स द जीएसटी एंड इफ द रेवेन्यू न्यूट्रल रेल इज गोइंग टू बी 15% इट वुड बी अनफेयर for any political party because it faces allegations to say my response is I won't allow GST. The country can't pay a price because a political party faces serious allegations. याचक कंप्लेनेंट के कुछ भी कहने से पहले और कोर्ट के कुछ भी कहने से पहले हमने खुद ने मैंने कहा विनम्रता से कोर्ट को कि सभी अभियुक्त अत्यंत शीघ्र जल्द से जल्द डेट में कोर्ट में पेश होने के लिए आतुर हैं और शीघ्र से शीघ्र डेट दें। हमारी इस याचना पे माननीय मैजिस्ट्रेट ने बहुत निकट की देश डेट हमारे मांगने पे दी है, 19 दिसंबर शनिवार 3 बजे।